हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग डिजाइन। फ्रेंड्स देखिए, ये जो स्वेटर का पैटर्न मैंने आपको बताया है, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको इसका बॉर्डर और ये डिजाइन सेट करके बताया था। आज मैं आपको इसका बाजू घटाना बताऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे अब ये हमारा डिजाइन जो है, ये लाइन कंप्लीट हो चुका है। उल्टे तरफ से मैंने सीधा सीधा बीन के ये पूरी डिजाइन कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैंने कलर चेंज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये कलर लगाना था, लेकिन बाजू भी घटाना है। तो बाजू घटाने के लिए हम जो मेरा बेस कलर अभी तक ये चल रहा था व्हाइट, उसी से घटाएंगे। ये कलर लगा देने से, यहाँ पे घटाने पे ये हमारा जो फंदा है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो चलिए हम बाजू घटाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरे जो 75 फंदे हैं, तो मेरा जो मेजरमेंट होता है 70 से 80 फंदे के बीच में, मैं जो ये बाजू की घटाई करती हूँ वो 3 2 1 इधर और 3 2 1 इधर, यानी कि टोटल 6 6 फंदे की बाजू की घटाई मैं करती हूँ। ये 70 फंदे से अगर कम रहता तो मैं इसको 2 2 1 करके घटाती, और अगर ये 80 फंदा होता तो मैं इसमें 4 2 1 करके घटाती। ये मेरा बीच का फंदा है, यानी 70 से 80 फंदे के बीच का ये फंदा है। तो 70 से 80 फंदे तक जब मेरा स्वेटर रहता है, तो 80 से कम अगर रहता है तो मैं इसमें 3 2 1 करके इस फंदे को घटाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया, टोटल अगर ये 80 हो जाता तो मैं यहाँ पे 4 2 1 करके 3 बार में फंदे घटाती। अब देखिए, यहाँ पे जो हम फंदे घटाएंगे, यहाँ पे हमारा ये भी कलर है, तो इस कलर को हम इस तरीके से फंसा लेंगे इस ऊन के पहले, और यहाँ पे 3 फंदे हम घटाएंगे। तो ये देखिए, पहला फंदा बीन के जब हम ये दूसरा फंदा बीनते हैं, सॉरी पहला फंदा उतार के और इसको इसके ऊपर से करेंगे, तो ये हमारा एक फंदा घट गया। अब ये दूसरा फंदा बीनेंगे इसके ऊपर से, ये 2 फंदा घट गया, और ये जो तीसरा फंदा है, अब इस ऊन से हम नहीं बीन के, इस डार्क वाले ऊन से बीनेंगे ऐसे, क्योंकि अब अगला हमको इसी कलर से बीनना है। तो ये देखिए, अब हमारा ये डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये देखिए। और ये अब ये कलर भी हमारा आ गया, यहाँ पे हमें 3 फंदे घटा लिए। अब इससे बीनते हुए ये देखिए, यहाँ पे हमें फंदे उठाने हैं, तो ये अब बाकी का पूरा सिलाई हम इसी तरीके से बीनेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ये डिजाइन न भी डालिए, क्योंकि फिर अगले सिलाई में हमको ये फंदे घटाने हैं, लेकिन मैंने इसको बना लिया है। अब इसी तरीके से अब हम ये पूरा बिन लेंगे। ये देखिए, पूरी सिलाई हमने बिन ली। लास्ट का ये 5 फंदा हमारा डार्क कलर से ही जा रहा है, ये देखिए। और अब उल्टे तरफ से भी हम 3 फंदे घटा लेंगे। यहाँ पे मैं ये 2 फंदे एक साथ बिनती हूँ, फिर ये वाला फंदा इस पर चढ़ा के, फिर ये 2 फंदा, तो इस तरह से ये हमारा ये दूसरा फंदा घट गया, फिर ये तीसरा फंदा, ये टोटल 3 फंदे घट गए। अब बाकी इसी तरीके से मैं बिन लूंगी। इसी तरीके से अब अगली बार 2 फंदा दोनों तरफ से, फिर 1 फंदा, यानी 6 6 फंदे मैं इसमें से टोटल घटा दूंगी। ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये डिजाइन भी है, और ये वाला ऊन हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसको फिर हम फंसा लेंगे। पहला फंदा उतार के दूसरा बीनेंगे, और ये एक फंदा हम घटा देंगे। अब इस वाले को भी यहाँ हम बीन लेंगे, क्योंकि फंदा घटाना है, ये 2, और बाकी फिर इसको हम यहाँ फंसा के सारा उसी तरह से बिन लेंगे जैसा कि बन रहा है। ये देखिए, अब उल्टी तरफ से भी 2 फंदे हम घटा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अब ये वाली सिलाई हमको उल्टे तरफ से सीधी सीधी बिननी है इस तरफ को, लेकिन हम पहले फंदा घटा लेंगे। ये देखिए, 2 फंदा एक साथ। अब ये व्हाइट वाला जो है, इसको भी हम यहाँ लेके उल्टा ही बिनेंगे 2 का 1, और अब हम ऊन पीछे कर देंगे और बाकी सारे फंदों को हम सीधा सीधा बिन लेंगे।
इस तरीके से टोटल हम सारा, क्योंकि चौथी सिलाई हमारी इस तरह से डिजाइन वाली है, उल्टे तरफ से टोटल सीधा सीधा बिन रहे हैं, तो इसको भी हम बिन लेंगे। ये देखिए अब ये हमारा लास्ट है यहाँ पे, तो इसको हम लास्ट वाला फंदा उल्टा बिन लेंगे इसी डार्क वाले कलर से। और अब यहाँ पे एक फंदा हमको घटाना है, तो अब देखिए यहाँ पे हम ये पहला फंदा उतारेंगे और दूसरे वाले फंदे को, क्योंकि अब हमें ऊन चेंज भी करना है, तो ये व्हाइट से बिनेंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो ये हमारा फंदा घट गया। अब ये हमारा डिजाइन जो है 2, 3, 4 और ये 5। अभी तक नीचे हमारा ये डार्क वाला 5 जाता था लास्ट में, अब यहां से घटने के बाद हमारा ये व्हाइट वाला 5 जाएगा और ये डार्क वाला जो है ये 3 रहेगा। इसी तरीके से हम इसको बिन लेंगे। ये देखिए पूरा बिन के इस तरह से, और उल्टे तरफ से भी व्हाइट रहेगा ही। यहाँ पे एक फंदा हम घटा लेंगे और पूरी उल्टी सिलाई हम इसी डिजाइन के साथ बिन लेंगे। ये देखिए ये मैंने दोनों तरफ से घटा लिया है, ये यहाँ पे 3, 2, 1, 3, 2, 1, ये टोटल हमारा घट गया है। अब यहाँ से हम ऊपर बॉडी की और लंबाई बनाएंगे पल्ले की बाजू घटाने के बाद, फिर हम गला घटाएंगे। तो ये पहले मैं इतना आपको लंबाई बिन के फिर आपको इंची टेप से नाप के दिखा देती हूँ कि मैंने इसके ऊपर कितनी लंबाई बिनी है और मैं अब गला कितने इंच पे घटा रही हूँ। ये देखिए ये बाजू घटाने के बाद इसकी लंबाई ये इस तरह से अब यहां से टोटल लंबाई इसकी देखिए 13 इंच है। ये 13 इंच की लंबाई मेरी हो गई है, 9 इंच हमारी बॉडी की लंबाई थी, इतना मैंने बिन लिया है घटाने के बाद, जहां से मैंने बाजू घटाया है टोटल। अब पूरा बॉर्डर से लेके अब तक इसकी टोटल 13 इंच की लेंथ हो चुकी है। तो अब हम इसका गला घटाएंगे, ये बैक पार्ट है तो अब इसका गला हम घटाएंगे। तो ये देखिए इसमें टोटल हमारे 63 फंदे हैं, 75 फंदे में से 12 फंदे हमने माइनस कर दिए जो घटाने के, तो 63 फंदे हैं। तो अब हम इसको हाफ हाफ बिन लेंगे। आप इसको 32 इधर रखिए और 31 इधर, यानी 31 फंदे बिनने के बाद फिर हम इसका बीच का गला घटाएंगे। तो ये देखिए अब हमारा यहाँ से कलर भी चेंज हो रहा है, तो इसी व्हाइट वाले कलर से ही मैं अब यहाँ पे गला भी घटाऊंगी। तो ये पहले इतना मैं हाफ कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने ये डिजाइन का फंदा जो उठाना था इसको उठाया, ये 26 है फंदे का नंबर। अब ये देखिए 27, 28, 29, अब यहाँ पे मैं फंदा नहीं उतार रही हूँ, 30 और ये 31, ये इतने मेरे इस साइड हो गए। अब इस साइड देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32, 32 फंदे इस साइड बचे हैं। अब हम इसमें से 20 फंदे रखेंगे शोल्डर के लिए और बाकी फंदों को हम गोलाई में घटाएंगे। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये इतने फंदे मैं शोल्डर के रखूंगी। अब ये 6 फंदे जो हमने बाजू में घटाए हैं वो रखूंगी, और अब ये जो फंदे बचे 2, 4, 6, ये 6 फंदे हम एक संग घटा देंगे। इसको 1, 2 और यहां से ये हम ऐसे एक फंदा घटका, 2 घटा, ये 3, 4, 5 और ये 6। आप चाहें तो यहाँ डिजाइन के बीच से भी इसको घटा सकती हैं, लेकिन ये क्योंकि ये वाले डिजाइन उठ रही है इस वजह से मैंने यहाँ पे इस तरह से घटाया है। फिर जब हम फंदे गले के उठाएंगे तो इसके नीचे से उठाएंगे ताकि ये व्हाइट वाला कलर हमारा न दिखे। अब यहां से बाकी का हम बिन लेंगे ये फंदा उतार के, और सारी डिजाइन इसी तरीके से। अब एक साइड का पहले ये गला हम बिन लेंगे बैक पार्ट में, फ्रंट का जब हम बनाते हैं तो दोनों गला हम साथ साथ दोनों साइड का बिनते हैं। ये देखिए
लास्ट का ये पांच फंदा इसमें सीधा जा रहा है। नीचे जैसा कि मेरा डार्क कलर था उससे पांच फंदा जा रहा था, लेकिन जब से हमने यहाँ पे बाजू घटाया है तो ये डार्क कलर जो है वो तीन फंदे हो गए हैं और ये व्हाइट वाला पांच फंदा हो गया है। अब उल्टे साइड से वही चीज, उल्टे तरफ कुछ नहीं करना है, ये बस हम जिस फंदे को हमने बीना है उसको हम बीन लेंगे और ये जो उतारा गया है उसको हम उतार लेंगे। दो कलर की डिजाइन बनाते समय गला और बाजू घटाते समय फंदे और डिजाइन का आपको ध्यान देना पड़ता है, कलर का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, तो फिर डिजाइन आपकी बिगड़ती नहीं है और गला भी अच्छे से सेट हो जाता है। अब देखिए इसी कलर से इधर हमको फिर बिनना है। अब यहाँ पे हम तीन फंदा घटाएंगे, जैसे हमने तीन दो एक बाजू में घटाए हैं, अब वही चीज हम यहाँ पे तीन दो एक करके घटा लेंगे। तो ये देखिए एक दो तीन, अब ये फंदा यहाँ पे उतार लेंगे क्योंकि उल्टे साइड से ये बिन जाएगा। तो पूरा बिन लेंगे, अब ऊन पीछे करके ये वाली सिलाई टोटल सीधे तरफ से हमारा उल्टी तरफ से टोटल सीधा सीधा हम बीनेंगे। तो ये ऊन मैंने पीछे कर लिया है पहला फंदा उतार के। अब सारे फंदे जो हमारे हैं इसको हम सीधा सीधा बिन लेंगे। देखिए यहाँ पे अभी सब हमारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बिन गए। अब देखिए इस सिलाई में अब हमारा ये ऊन का कलर चेंज होगा, लेकिन हमको यहाँ फंदा भी घटाना है। तो अब यहाँ पे हम ऊन का ये दूसरा टुकड़ा लगा लेंगे क्योंकि हमारे जो ऊन का ये वाला सिरा था वो यहीं पे है। तो यहाँ ये ग्रीन वाला जो कलर मैं लगा रही हूँ इसको मैं यहाँ नॉट लगा दूंगी इस तरीके से। और अब यहाँ पे जो दो फंदा हमको घटाना है, तो सबसे पहला वाला फंदा मैं ये व्हाइट से घटाऊंगी इस तरह से, और ये दूसरा वाला फंदा मैं ये ग्रीन से बिन के, जैसा कि मैंने बाजू में बताया था ऐसे ग्रीन से बिन के और ये व्हाइट वाले को इसके ऊपर से घटा देंगे। और अब यहाँ पे ये व्हाइट वाला ऊन हमारा खत्म हो गया इसका काम, तो इसको हम कट कर देंगे। इसको कट करके और यहाँ से इसको भी हम डबल नॉट लगा देंगे। और अब हम अपना ये, क्योंकि अब यहाँ पे हमको दो फंदे लास्ट में हमको एक फंदा अब अगली बार घटाना है, तो यहाँ पे देखिए अब हम ये फंदा नहीं उठाएंगे, ये फंदा हम यहाँ पे ऐसे उठाएंगे डिजाइन वाला। ये देखिए अब इस साइड से ये उठा लेंगे। लास्ट का पूरा उल्टा उल्टा, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमने फंदा नहीं उठाया है डिजाइन के लिए। अब यहाँ पे एक फंदा और घटाएंगे, तीन दो घटा लिया हमने, ये अब लास्ट वाला एक फंदा ऐसे घटा देंगे। तो अब देखिए हमारा ये एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस, ये हमारे शोल्डर के फंदे अब आ गए। अब इस साइड का गला हमारा घट गया है,
इसको टोटल ये चौथी सिलाई है जो हम सीधा सीधा बीनेंगे इस तरीके से। ये 20 फंदे अब हमारे शोल्डर के फंदे हैं, ये देखिए ये हमारा एक साइड का गला इस तरीके से घट गया। अब हम इधर का गला घटाएंगे। तो अब इसके लिए देखिए ये ऊन अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है तो इसको हम बाद में कट कर देंगे। और यहाँ अब हमारा व्हाइट से बिनाई हुआ है और यहाँ पे देखिए जहां से हमने ये पहला फंदा घटाया था वहीं पे हम इस तरह से सिलाई डालेंगे अपनी ऐसे, और जो व्हाइट ऊन हमारा है उसको हम इस तरह से लूप बना के निकालेंगे और ऐसे अब इसको डबल नॉट लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सिर्फ 5 फंदा घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फंदा ज्यादा था, राइट साइड इधर के साइड में हमारा 32 था फंदा और इधर 31, तो इसलिए अब हम सबसे पहले 5 फंदा घटाएंगे उल्टा उल्टा। तो ये देखिए एक, इसको फिर दो, तीन, चार, और यहां पे ये वाला फंदा भी जो हमने उठाया था इसको भी हम घटा लेंगे 5। ये ऊन मैंने फंसाया है, ये पीछे से इसको फंसाते हुए मैंने बिन लिया है। अब देखिए बाकी की बिनाई बैक पार्ट में थोड़ा सा गला मैं जरूर घटाती हूँ क्योंकि इससे फिर गले का शेप अच्छा आता है। अगर पीछे हम गला नहीं घटाते हैं तो पीछे के साइड से जब हम गले का फंदा बनाते हैं या बॉर्डर बनाते हैं तो उस साइड से हमारा जो ये स्वेटर का नेक होता है वो ऊपर तक चढ़ा चढ़ा आता है और इस तरह से गले का शेप हल्का सा गोल आ जाता है तो स्वेटर आपका अच्छे शेप में आता है। अब इस साइड के फंदे जब हम घटाते हैं तो ये फंदे हम उल्टे साइड से घटाते हैं, तो इसको देखिए अभी मैंने पिछली बार 5 फंदे घटाए, अब उल्टे तरफ से ही 3, 2, 1 मैं घटा लूंगी। इस साइड ऊन चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें ऊन हमारा यहां से चेंज हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहां पे ये उल्टी सिलाई हम सीधी बीनते हैं लेकिन फंदा हम उल्टे तरफ से ही घटाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब ऊन पीछे करके सारी ये फंदे को हम पूरी सिलाई सीधा सीधा बिन लेंगे। ये देखिए अब यहाँ लास्ट वाला फंदा अब हम दूसरे कलर से बिन लेंगे और यहाँ पे ये वाइट कट करके हटा देंगे, इसको हम कट करके हटा देंगे और इसको भी डबल नॉट लगा देंगे। ये देखिए अब यहां से ये जो डिजाइन हमारी है ये 3 फंदे के बाद ये फंदा जो उतर रहा है इसको हम करेंगे। यहां वाला फंदा मैं नहीं उतार रही हूं
ये फंदा मैं नहीं उतार रही हूँ क्योंकि घटाने में फिर डिजाइन सेट नहीं होगा। और अब देखिए यहाँ पे दो फंदा घटाऊंगी, ये सीधी सिलाई सेम वही, इस डिजाइन में एक फंदा उतारने से आपके स्वेटर की लेंथ जो है वो कम होगी, तो इस हिसाब से आप अपने बच्चे के लेंथ के हिसाब से स्वेटर को रखिएगा उसकी लंबाई। अब देखिए लास्ट वाला, अब यहाँ पे ये एक फंदा हम उल्टा घटा के बाकी के सारे फंदे हम इस तरह से सीधे सीधे बिन देंगे। अब ये हमारी सिलाई की सारी सिलाई जो हमारी है लास्ट सीधी सीधी बिन जाएगी। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट का जो गला है वो तैयार हो गया। इस तरीके से ये इसका गला जो है, ये ऊन जब हम गले का फंदा उठाएंगे तो इसको कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ये गला हमारा घट गया, 20-20 फंदे हमारे शोल्डर के हैं और ये बाजू। तो अब इसकी जो टोटल लंबाई है ये देखिए टोटल लंबाई 14 इंच है, स्वेटर की टोटल लंबाई ये 14 इंच है। तो ये अगर आपके बच्चे को सही आता है ये नाप तो आप इसी नाप का जरूर बनाइए। फ्रंट पार्ट के लिए भी आपको सेम यही चीज करना है, सब कुछ यही रहेगा, बस उसका गला अगर आप गोल घटा रही हैं तो यहाँ थोड़ा सा ये घटाने के बाद घटेगा, और अगर भी घटा रही है तो साथ में घटेगा। तो मैं इसका आपको यहां तक का फ्रंट पार्ट बिनने के बाद आगे का गला घटाना बताऊंगी। आप गोल गला चाहती हैं या वी गला चाहती हैं आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगला पार्ट में अगले वीडियो में बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न जरूर पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मैं आपको और भी ऐसी ही जानकारियां देती रहूंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।